फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? तो आज की इस वीडियो हम स्टार्ट करें अपने एग्जाम से रिलेटेड। आपका एसएससी से एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम है जो आपको हुआ था 10 मार्च को हुआ था, 10 मार्च 2023 को। ये आपका शिफ्ट सेकंड का एग्जाम है। शिफ्ट सेकंड का एग्जाम आपका, ये सेकंड का एग्जाम है। तो इसमें हमने जो क्वेश्चन किए थे वो 14 तक कंप्लीट क्वेश्चन कर चुके थे। तो आज के इस वीडियो में हम 15 से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 15। बोला कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर बिटवीन 20 to 50। तो 20 से लेके 50 तक के प्राइम नंबर काउंट करने हैं, तो वो आपको देखने पड़ेंगे कौन कौन से हैं। तो 20 से लेकर चलता हूं तो 23 आ जाता है, ठीक है। 23 के बाद हम फिर काउंट करते हैं 29 को, राइट। 29 के बाद 31 को, 31 के बाद 37 को काउंट करते हैं, फिर 37 के बाद हम 41 को काउंट करते हैं, 43 को काउंट करते हैं, और फिर आपका 47 को काउंट करते हैं, ठीक है। और इसके आगे नहीं है कुछ भी। इसके आगे हम 53 को काउंट करेंगे, जो कि अपना 53 क्या है, 50 की रेंज से बाहर चला गया। तो यहाँ पर चेक कर लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 प्राइम नंबर ऐसे हैं जो 20 से लेकर 50 के बीच में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि 2p + 5q इज इक्वल टू दैट एंड 2p p * q इज इक्वल टू ये, और क्या निकालना, 4p² + 25q². तो यहां से हम एक ऐसे टर्म देख लेते हैं कि आपका जो मल्टीप्लिकेशन हो या फिर वैल्यू पुट करके देखें, 3 1 नहीं आ रहा, 3 1 से 12 नहीं बनेगा, 3 1 से, और 2 * 1 नहीं, तो वैल्यू पुटिंग से नहीं हो रहा। तो हम क्या करते हैं, इसका स्क्वेयर कर लेते हैं दोनों साइड। दोनों साइड स्क्वेयर करेंगे तो ये आपका 4p² + 5q² प्लस में 2 * 2 * 2p * 5q हो जाएगा, इज इक्वल टू 12 12 का स्क्वेयर भी कर दोगे वो 44 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमें निकालना है, तो दूसरी तरफ जाएगा ये 144 - 2 2 10, सॉरी 5 2 10 और 2 20 pq। pq की वैल्यू ये दे रखी, तो 144 - 20 * 3 कर दो, 144 - 60 आप करोगे तो आपके पास 84 आंसर आएगा, ठीक है। तो 84 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन दे रखे से एग्जाम में। एक ट्रायंगल एबीसी, ए बी 6 है तो बी सी 11 है, तो कितने इंटीग्रल वैल्यू निकलेंगे ए सी के, ताकि अपने ट्रायंगल पॉसिबिलिटी दिखाई दे। देखो ये जनरल बेस क्वेश्चन दे रखा है, तो आप जनरल बेस देखोगे तो ये 3 साइडें हैं, ए बी और सी। ए बी कितनी है, 6, बी सी कितना है, 11। तो ए सी की हमें ऐसी कितनी वैल्यू निकालनी पड़ेगी ताकि एक ट्रायंगल को शो कर दे। तो ट्रायंगल को शो करने के लिए क्या होता है कि कोई भी 2 साइड होती है, कोई भी, ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं। जो ए प्लस बी करोगे वो सी से बड़ा होना चाहिए, राइट। जो ए और बी को प्लस करोगे तो सी से बड़ा होना चाहिए, राइट। तो जब अपनी ट्रायंगल वैल्यू बराबर दे सकता है, ठीक है, इससे अलावा कुछ नहीं। तो यहां पर मैं एक कंडीशन और लगाता हूँ, जो जहां से आपको ये पता लगे कंडीशन क्या होगी। अगर हम ए मा सॉरी 6 - 11, मतलब इस इधर का गैप, इधर का गैप जो बड़ा होगा, सॉरी छोटा होगा भाई, छोटा होगा तीसरी साइड से, तो ए सी है तीसरी साइड। जो ए सी जो छोटी होगी किससे, 11 + 6 से, एक तरफ माइनस कर दो, एक तरफ प्लस कर दो, बस ये आपकी 5 हो जाएगी। 5 से बड़ा होना चाहिए और 17 से छोटा होना चाहिए। ये वैल्यू ऐसी वैल्यू निकालनी जो 5 से बड़ी हो, 17 से छोटी हो। तो ऐसे कितनी वैल्यू काउंट हो सकती है, तो आप चेक करोगे, 6 होता है, 7 होता है, 8 9 10 11 12 13 14 15 16। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 वैल्यू ऐसी हो सकती है जो तीसरी साइड आपकी ऐसी, जिसको हम पुट करके आंसर निकाल सकते हैं।
अगर आपको ऐसे आंसर ना निकालना आता हो तो हम क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना, 17 माइनस 5 तो करना ही करना है, राइट। 17 माइनस 5 तो करना ही करना है, इसको इसको इसमें से माइनस करना, साथ में एक चीज और माइनस करनी, -1 कर दो तो आपका आंसर जो आ जाएगा 11 आ जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो, ठीक है राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं सर, 18th। स्टेटमेंट नॉट करेक्ट पूछा है कि कौन सी नॉट करेक्ट होगी, और अब देखो बेटा इस नॉट करेक्ट पूछा है कि नॉट करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट गलत है, इन फर्स्ट और सेकंड में गलत पूछे ना कि करेक्ट पूछे, ठीक है। तो प्रॉफिट डी ई एफ का प्रॉफिट DEF कितना हो गया 200 और 300, 500 और 500 और 150, 650 हो गया। कॉस्ट प्राइस ऑफ GHI के कॉस्ट प्राइस, GHI के कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, यहाँ से टोटल निकालो 800, 800, 1600 हो गया। क्या ये 30% है, तो 600 को ऊपर रख देते हैं और मल्टीप्लाई 100 करके देख लो, अगर 30% आए तो ये करेक्ट है, तो 30% के लगभग ही चेक करेंगे तो 6 3 ये आपका 8, तो 300/8, ठीक है। तो 300/8 करोगे तो 3 चौक 32 होता है, राइट। 3 तीये 24 हो जाएगा, 6 0 6 0 7 8 56 होता, 8 7 56 होता है, तो 37% के लगभग जाएगा। और इसने क्या बोला कि 30% के लगभग होगा, नहीं, ये अपना आंसर जो जाएगा वो 37% के लगभग जाएगा, तो ये गलत है, मतलब नॉट करेक्ट पूछा, तो इसका मतलब नॉट करेक्ट की वजह से ये गलत हो जाए, सॉरी ठीक हो जाएगा। द रेशियो ऑफ टोटल कॉस्ट प्राइस टू द टोटल प्रॉफिट इज दैट, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कर लो, साढ़े ये 1600 हो गए थे, 1600 हो गए थे यहाँ तक, 2000 2600 और 3300, तो CP जो है वो अपना 3300 निकल कर आया दूसरी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, और प्रॉफिट जो निकल के आना चाहिए वो कितना आ जाएगा, ये आपका 650 हो गया था, 1050, 1050 और 250 आपका कितना हो जाएगा, 1300, 1300 और 300, 1600, 1650 हो जाएगा। तो 1650 देखो तो ये आपका कितना है 1 से और ये आपका 2 से, तो CP और प्रॉफिट का रेशियो जो आया वो 2:1 आया, लेकिन इसने कितना दे रखा, 1:2 दे रखा है, तो इस वजह से ये भी गलत हो गया, और इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये अपना राइट हो जाएगा, तो दोनों ठीक हो जाएंगे भाई इसके, बोथ 1 एंड 2, SSC ने आंसर भी बोथ 1 एंड 2 दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, एक फैमिली है जो कंसिस्ट कर रही है फादर मदर सन, द रेशियो ऑफ उनकी एजेस का रेशियो दे रखा 8:5:2, प्रेजेंट एज ऑफ फादर 48 ईयर्स है, तो एवरेज एज ऑफ बताने फैमिली के 3 साल के बाद, तो ये क्या प्रेजेंट एज है, क्योंकि एज दिया गया तो ये प्रेजेंट एज हो गई, राइट। तो फादर मदर और सन का सॉरी रेशियो ऑफ 8:5:2 के बीच में दिया गया है, प्रेजेंट एज बोले 48 ईयर है किसकी, फादर की, तो इस 8 की वैल्यू कितनी 48 है, तो किससे मल्टीप्लाई किया, 6 से मल्टीप्लाई किया, राइट। इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो 30 आ जाएगा, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो 12 आ जाएगा। अब इसने बोला कि एवरेज एज निकालनी 3 साल के बाद, तो 3 साल यहाँ ऐड हो जाएंगे, 3 साल यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, 3 साल यहाँ पर, तो ये 51 हो जाएगा, ये आपका 33 हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा, सम कर दो डिवाइड बाय कर दो, ठीक है। तो सम कितना आ जाएगा, 5 और 3 8 और 1 9, 5 और 3 8 और 1 9 99 आ जाएगा, कितने फैमिली मेंबर है, 3 फैमिली मेंबर है, कट कर दो 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 एक 3 3 3 33 33 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। एवरेज एज पूछी थी तीनों की, तो वो हमने निकाल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, बोला कि इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट निकालना टू सक्सेसिव डिस्काउंट, ये 12% और 10% का, अगर ऐसी सिचुएशन दे रखी, अगर ये एक्स वाई दे रखा तो हमें क्या करना चाहिए, एक्स प्लस वाई करना चाहिए, माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई 100 करना चाहिए, इस फॉर्मूले का यूज करके आप सिंगल डिस्काउंट निकाल सकते हो, तो 12 प्लस 10 माइनस 12 इंटू 10 डिवाइड बाई 100,
तो सोल्व करोगे तो ये आपका 22 हो जाएगा, -0 से 0 कट जाएगी तो 12/10 हो जाएगा, तो 1.2 हो जाएगा। तो 22 में से 1.2 कट करोगे तो 8 पॉइंट, ये आपका कितना आ जाएगा, 0.2, 20.8% आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि जानकी ने परचेज किया 10 डजन कॉर्न, ओके, रेट जिसका 180 रुपये पर डजन है, तो इसका मतलब 10 डजन लिए हैं और उसका प्राइस कितना है, 180 रुपये है पर डजन का, तो 10 का इतना हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया। बोला कि सी सोल्ड इच कॉर्न, ये आपका सीपी दे रखा है राइट, इधर आपका एसपी दे दिया। अगर वो इच कॉर्न, कॉर्न यहाँ पर डजन नहीं दिया गया, इच कॉर्न एक कॉर्न को दिया गया, ठीक, एट द रेट ऑफ 22। अब आप देखो कि एक डजन में कितने कॉर्न होते हैं, तो 12 होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम 12 का रेट निकालेंगे, ठीक है, और कितने हैं, 10 हैं, तो 12 गुना 10 डजन, यहाँ पर इतने कॉर्न आ गए, यहाँ पर डजन है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कॉर्न है, ठीक है, और उसको बेचा गया 22 रुपये पर कॉर्न के हिसाब से, ठीक है। तो ये कंडीशन दे रखी, तो क्या बताना, प्रॉफिट परसेंटेज बताना। तो एसपी और सीपी का रेशियो मान लेते हैं एक बार कट करने के लिए, 10 से 10 कट हो जाएगा राइट, 12 से आपके 15 पे कट हो जाएगा, तो 15:22, ये आपका सीपी दे रखा है, ये आपका एसपी दे रखा है। कोई चीज 15 रुपये में खरीदने पर 22 में बेची तो कितने रुपए का फायदा हुआ, 7 रुपए का फायदा हुआ, कितने पे, 15/100, 5 से 3, 5 से आपका 20, तो 140/3 कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, 4 पे जाना चाहिए, तो ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये आपका राइट आंसर चला जाएगा। बाकी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप आगे कैलकुलेशन इसकी जरूर सोल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, बोला कि वैल्यू क्या होगी इसकी, तो आप देखोगे कि x²+4y²+z², ये चीज दे रखी है। तो ये देखो फार्मूला ही तो है, कुछ ज्यादा थोड़ी ना है, तो हमें यहाँ पर y की जगह 2y आना चाहिए अपना, 2y इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें नहीं है, तो इसको कट करो, ठीक है, और एक्स वाई में माइनस है और इधर एक्स जेड में माइनस है, तो वाई में कोई माइनस नहीं है, वाई में कोई माइनस नहीं है, तो वाई में वाई माइनस नहीं आना चाहिए, वाई के आगे तो ये माइनस है, तो इसको भी कट करो, ये दोनों में वाई माइनस में नहीं है, या इधर वाई, इधर देखो माइनस है, इधर भी माइनस है, तो इसका मतलब क्या होगा, या तो जेड के साथ भी नहीं हो सकता, तो यहाँ पर दोनों नंबर क्या मल्टीपल हो रहा है, एक्स मल्टीपल हो रहा है, तो एक्स के साथ माइनस आना चाहिए, तो यहाँ पर जेड में माइनस दे रखा तो ये कट करो, यहाँ पर एक्स में दे रखा तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। बिना सोचे समझे, बिना मतलब कैलकुलेशन आप जितनी इजी कर सकते हो ना, उतना इजी आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, बोला कि एरिया ऑफ बिगर सर्कल दैट कुड बी ड्रोन इन स्क्वेयर ऑफ द साइड 18 सेंटीमीटर। बोला कि एक स्क्वेयर है जिसका साइड 18 सेंटीमीटर है, उसके अंदर एक सर्कल बना दिया गया राइट, उसके अंदर क्या बना दिया गया, एक सर्कल बना दिया गया, उस सर्कल का हमें एरिया बताना है, तो ये साइड कितनी हो गई, 18 हो गई, तो इसका मतलब ये डायमीटर भी कितना हो गया, 18 हो गया, ठीक है, तो सर्कल का डायमीटर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, यहाँ से रेडियस जो निकालेंगे वो डायमीटर का आधी हो जाएगी, 9 आ जाएगी, तो रेडियस कितने आ गई, 9 आ जाएगी, और हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है, तो एरिया आपको पता होगा सर्कल का एरिया कितना होता है, π r² होता है, तो पाई की वैल्यू एज इट इज दे रखी, तो पाई को हम सोल्व नहीं करेंगे, तो 9² × π कर देंगे, तो 81π आपका राइट आंसर दे देगा, 81π आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इफ इन द सेल डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी, एक सेल डिपार्टमेंट है कंपनी की, एवरेज सैलरी पर एम्प्लॉय इतनी है, पर एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी इतनी है, एवरेज सैलरी ऑफ 10 सीनियर एम्प्लॉय, यहाँ पर 10 सीनियर एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी दे रखी 450, और एवरेज सैलरी ऑफ रिमेनिंग बाकी जो बच्चे हैं वो 250 रुपये पर एम्प्लॉय है, तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने आएंगे सेल में, तो ये हम एलिगेशन से सोल्व करते हैं, तो टोटल एवरेज कितना है, 350 है, ठीक है, यहाँ पर मैं सीनियर को लिख रहा हूँ, सीनियर को लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं रिमेनिंग स्टाफ को लिख रहा हूँ, ठीक है, स्टाफ,
तो 10 हैं तो क्या पहले हम रेशियो निकाल देते हैं, तो 350 तो टोटल है। सीनियर की कितनी? 450। सीनियर की कितनी? 450। रिमेनिंग की कितनी? 250। 250 तो निकाल लो भाई, रेशियो निकालो। तो यहां से आप माइनस करोगे 450 में 350 को 100, यहां से 250 और 350 का गैप चेक करोगे तो 100, रेशियो चेक करोगे तो ये 1 ये 1, ठीक है। और सीनियर सीनियर कितने हैं? 10। सीनियर कितने हैं? 10। तो इस एक की वैल्यू कितनी है? 10 हो गई। इस एक की वैल्यू कितनी है? 10 हो गई। अगर इस एक की वैल्यू 10 है तो इसकी मतलब इसकी भी 10 हो जाएगी, ठीक है। दोनों की 10 हो गई, 10 10 हो गई। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय? टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय बताना। तो 10 तो यहाँ दे रखे हैं और 10 और आ गए, तो कितने हो गए टोटल? 10 प्लस 10 20, आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि राम नीड्स टू रीच एग्जामिनेशन सेंटर इन 6 आवर। द जर्नी इटसेल्फ इज 250 किलोमीटर। इफ राम हैज कवर्ड 3/5 ऑफ द डिस्टेंस इन इतने में 3.5 घंटे में, देन स्पीड ऑफ रिक्वायर्ड टू रीच डेस्टिनेशन 30 मिनट एयरली फॉर रिक्वायर्ड टाइम। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन किया गया। बोला कि जो राम है उससे 6 घंटे पहुंचने में लगेंगे, और जर्नी कितनी है? 250 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है? 250 किलोमीटर। जबकि राम जो कवर कर चुका है 3/5 हिस्सा उस जर्नी का, 3.5 घंटे ले चुका है, और उसे क्या स्पीड बढ़ानी चाहिए ताकि 30 मिनट पहले वो पहुंच जाए? मतलब टोटल जर्नी जो होगी 6 घंटे की थी, लेकिन 30 मिनट पहले अगर पहुंचेगा तो 5.5 घंटे में पहुंचेगा, तो 5.5 घंटे में पहुंचेगा, तो हमें 5.5 घंटे की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो देखो टोटल डिस्टेंस कितनी है? 250। कवर कितनी कर चुका? 3.5, सॉरी 3/5, ठीक है, 3/5 कवर कर चुका है। तो टोटल कितनी कवर कर चुका है? 5 से कट करोगे तो 50, 50 × 3 150 किलोमीटर वो कवर कर चुका है। कितनी देर में? 3.5 घंटे में। तो 3.5 घंटे तो इधर कवर कर चुका है, तो 5.5 में कवर करना था, 3.5 में कवर कर चुका है, तो कितने बचे यहाँ से? 2 घंटे बचे, 2 घंटे बचे, राइट। और 250 की टोटल थी, 150 कवर कर चुका है, तो कितना बचा? 100 किलोमीटर बचा, 100 किलोमीटर ही तो बचेगा, ठीक है। तो 100 किलोमीटर को 2 घंटे में पहुंचाना है, तो उसकी स्पीड कितनी होगी? तो 100/ डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे, स्पीड आ जाएगी। तो 2 से आपका 50 कट करो तो 50 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। तो आपने इस एग्जाम के पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ आएंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है सारे के सारे। हाँ, लास्ट के 2-3 क्वेश्चन में देखे हैं तो जो मॉडरेट लेवल के हो सकते हैं आपके लिए, तो अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। तो मिलते हैं फिर अपने नई वीडियो में नए एग्जाम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।